जैसे मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुआ और हमको तो अवसर भी किसी ने उपलब्ध नहीं करवाया, हमने तो अंधियारी पगडंडियों से धूल भरी गलियों से अपने रास्ते और अपने मंजिलें खुद तय की और आज यहाँ तक पहुँचे। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर के जब आपके सामने यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं आपको तो अपने से भी आगे ले जा सकता हूँ, वो सामर्थ्य मुझे परमात्मा ने दिया। तो आप ये मत सोचिए कि आप किस कुल में किस जाति में किस वंश में पैदा हुए हैं, आप अपने भीतर गौरव पैदा कीजिए कि मैं ऋषियों के वंश में और भारत भूमि पर पैदा हुआ हूं, बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। और इसीलिए मैं जब अपने आंदोलन के दिनों में पूरे देश में घूमता था तब भी ये गाता था, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, जमीन सलाम करे सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो, तुम्हारे कारवा को हर जवान सलाम करे, तुम्हारे कारवा को नौजवान सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की। ऐसे इस देश में हमने एक शौर्य और स्वाभिमान जगाया और जिन विदेशी कंपनियों के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया उनका हमने शीर्षासन करके दिखाया। अभी तो उनको टक्कर ही नहीं दी है, अभी अलग अलग प्रोडक्ट्स में, जैसे इस देश में एक एक यदि प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस देश में टूथपेस्ट में कोलगेट सबसे बड़ा ब्रांड था, आज उससे भी बड़ा ब्रांड आज दंत कांति बन चुका है। ये आपको गौरव होना चाहिए कि विदेशी कंपनियों से भी बड़ा ब्रांड बनाने की ताकत किसमें है, पतंजलि में। इस बार ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट जारी हुई, करीब 9000 ब्रांड्स का पूरे हिंदुस्तान में सर्वे हुआ और FMCG का नंबर वन ब्रांड कोई था तो पतंजलि था। और ये पिछले कई वर्षों से सिलसिला चल रहा है, ये एक एक प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। इस पूरे अनुष्ठान को जो नेतृत्व दे रहे हैं हमारे भाई राकेश जी जो फूड डिवीजन के हेड हैं, भाई अखिल जी जो हमारे नॉन फूड के, और हमारे भाई उमंग जी जो बिस्किट के हेड हैं, एक बार इन सब का सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। इसी प्रकार से हमारे सभी RMs जो बहुत ऊर्जा के साथ इसमें काम कर रहे हैं, भाई हमारे योगेश खन्ना जी और संजीव शर्मा जी, दोनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए जो मेरी दाई तरफ बैठे हुए हैं। हमारे जो है संजीव शर्मा जी नॉन फूड को बहुत ही साइंटिफिक वे में और सिस्टमाइज ढंग से काम करते हैं, सिखाते हैं और इनके ऊपर हमें बहुत फख्र है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, खाली आप ही के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हम हमारे एक DSM को SO, ASM, ZM, RM और नेशनल हेड के तौर पर देखना चाहते हैं। हमने अपने यहाँ बहुत से भाई जो SO के रूप में काम कर रहे थे, ऐसे भाइयों को हमने ASM के रूप में, जो ASM काम कर रहे थे उनको ZM के रूप में मेरे सामने बैठे हुए हैं, और जो ZM के रूप में काम कर रहे थे उनको योगेश खन्ना को RM के रूप में हमने ये एक एक दो दो साल में हमने लोगों को आगे बढ़ाया है। जो काम करने वाला है उसको ये नहीं कि पतंजलि में 10-20 साल ही लगेंगे, लेकिन नेशनल हेड बनने में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कल को एप्लीकेशन लेकर के मत आना कि स्वामी जी मैं तो आप जो आपका नेशनल हेड बनने लायक हो गया हूँ। तो आप
काम करते रहिए, वो आपकी पहचान आपके काम से होती रहेगी, आपको अवसर मिलते रहेंगे पतंजलि में। तो हमारे सभी आरएम्स, सभी जेडएम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भाई राजीव जी का, श्याम जी का, पवन जी का, संजय जी का, अमित जी का, और अमित गौतम जी के साथ हमारे पुराने जेडम जो हैं यहाँ, सरबरी सिन्हा जी, एक बार इन सब का सबकी ओर से खड़े हो जाएंगे हमारे सारे जेडम्स, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सब के लिए। हमारे बहुत ही ऊर्जावान जेडम्स हैं सभी, अभी इन्होंने बहुत प्रामाणिकता से सब काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सारे हमारे एएसएम्स, सारे एएसएम्स हमारे खड़े हो जाएंगे एक बार, सारे एएसएम लोग भी बहुत जोरदार काम कर रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके। इन्होंने भी अलग अलग वर्टिकल्स का इनके ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व है और उसको प्रामाणिकता से निर्वहन कर रहे हैं। सारे एएसएम लोग भी बैठ जाएंगे। और एएसएम्स के साथ साथ हमारे सारे एसओ, एक बार सारे एसओ हमारे खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार सबकी ओर से। अब आपके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। पहले आप जितने लोगों को डील कर रहे थे, टैकल कर रहे थे, उनसे करीब करीब कहीं तो डेढ़ गुना, कहीं दो गुना, कहीं तीन गुना आपके पास कैपेसिटी आई है। अब आपका एक एक व्यक्ति का बड़ा उत्तरदायित्व है। इसमें संगठन के लोग तो आपका प्रारंभिक तौर पर सहयोग कर ही रहे हैं, आपके साथ में पूरा संगठन भी लगा हुआ है। एक बार सारे हमारे एसओज का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बैठिए बैठिए, क्योंकि अब आपके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और मैंने जैसे कि पहले बताया, सारे हमारे डीएसएम कोऑर्डिनेटर्स, सारे हमारे जिला प्रभारी भी आपके इस काम में सहयोग कर रहे हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्या चाहिए। और पिछले 12 सालों से हमारे सारे के सारे संगठन के कार्यकर्ता जिन्होंने इस पूरे शिविर के आयोजन को भी लीड किया, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं सबकी ओर से। तो सारे हमारे डीएसएम कोऑर्डिनेटर्स और जिला प्रभारी और राज्य प्रभारी भी एक बार खड़े हो जाएंगे, सारे संगठन के लोग खड़े हो जाएंगे जिन्होंने इस पूरे शिविर को लीड किया और आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया, उसके बाद आपको सौंप दिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो मेरे मंच के ऊपर दाएं बाएं से लेकर के मेरे सामने दाएं बाएं से लेकर के पीछे तक पिछले 12 सालों से लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी सेवा से अपने जीवन में पुण्य बढ़ता है। देखो, एक बैठ जाएंगे सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता, एक होता है जीवन में पैसा, एक होता है पुण्य। पैसे से मिलते हैं हमें जीवन में संसाधन, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है, और पुण्य से हमें दिमाग मिलता है, बुद्धि मिलती है। पुण्य से हमें श्रद्धाशील, सत्यनिष्ठ, भक्ति से, प्रेम से, कृतज्ञता से, हैप्पीनेस से भरा हुआ हृदय मिलता है, और सत्य में हमारी निष्ठा होती है, जीवन में दिव्यता आती है। पैसे में आप सारी चीज खरीद सकते हो, लेकिन पैसे में आप सद्बुद्धि नहीं खरीद सकते। पैसे में आप हैप्पीनेस, प्रेम, करुणा, लव, कंपैशन, हैप्पीनेस आप नहीं खरीद सकते। पैसे से आप जीवन में सत्याचरण नहीं खरीद सकते। और हमारे ये संगठन के कार्यकर्ता इसलिए भी ज़्यादा इनको मैं साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने पैसे से ज़्यादा अपने जीवन में पुण्य को महत्व दिया है, ये इनकी बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ा काम सब भाई कर रहे हैं। हमारे भाई राकेश जी के नेतृत्व में पूरे संगठन, क्योंकि हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, और भाई रामाशीष जी जिनको नया उत्तरदायित्व दिया और बहुत प्रामाणिकता से उस उत्तरदायित्व को निभाया, तो हमारे भाई राकेश जी के लिए प्रथम बहुत बहुत अभिनंदन है, जिनके नेतृत्व में पूरा बिहार ही नहीं, पूरा उत्तर और पूर्वोत्तर भारत का, आधे भारत का ही उत्तरदायित्व निभाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत इनका अभिनंदन। और इनकी तरह भाई जयदीप जी बहन, हमारी साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, और हमारे रामाशीष जी और सचिन जी युवा प्रभारी के तौर पर रामाशीष जी भी खड़े हो जाएंगे, इनका भी एक बार पुनः सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई अजीत जी और भाई अरुणेश जी हमारे बहुत ही ऊर्जावान राज्य प्रभारियों के तौर पर बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर वीणा जी बहन किरण जी जो महिला प्रभारी के तौर पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और भाई जितेंद्र जी जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, विकास जी, प्रकाश जी जो हमारे युवा प्रभारी, और सुनील जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। और सतीश जी ये होकर के बहुत प्रामाणिकता से सेवा दे रहे हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और दया सागर जी
ये जो है ये भी इन्होंने जोरदार तालियां हो जाए, इन्होंने पतंजलि जो नमक वाला सेवा का कार्य है उसमें इन्होंने बहुत बड़ी सेवा का उत्तरदायित्व निभाया, लगे ही रहे। और भाई उदय शंकर जी अभी तक यहाँ ऐसे तो पूरे देश में आयोजन हुए, लेकिन पटना के बाद सबसे बड़ा शिविर बहुत प्रामाणिकता के साथ किया नालंदा में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का। और ये अपने बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है पतंजलि के, फाउंडर मेंबर भी, अपने बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपसे ये कह रहा था आज कि ये संगठन में, संस्था में पतंजलि जैसा संगठन पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और इसके लिए क्यों कहता हूँ मैं ऐसा, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ सामाजिक संगठन है देश में, कुछ धार्मिक संगठन है, कुछ राजनीतिक संगठन है। पतंजलि एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इस भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में देखना चाहता और सभी दिशाओं से देश के लिए काम कर रहा है। ये पतंजलि की विशेषता है। तो आप जिस संस्था में काम करते हैं उसके लिए गौरव होना चाहिए आपके हृदय में, और थोड़ा धैर्य होना चाहिए। हमने कहा हम देश का भी विकास करना चाहते हैं और आपको भी विकास की बुलंदियों पर, शिखर पर देखना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं आपको अब पतंजलि संस्था के बारे में बात पहले थोड़ा बताता हूँ। पतंजलि योगपीठ, फिर पतंजलि जो अपना ये स्वदेशी अभियान है इसके बारे में, और अपनी जो सेवाएं हैं उसके बारे में, ब्रांड के बारे में बताता हूँ। किसी भी क्षेत्र में नंबर वन होना किसी के लिए एक सपना होता है। अभी फीफा का वर्ल्ड कप खत्म हो, वैसे में कभी खेल आदि देखने का वक्त नहीं मिलता है। एक छोटा सा देश है क्रूसिया, उस छोटे से देश के खिलाड़ियों ने जर्मनी जैसे देश को पहली बार वर्ल्ड में सबसे जबरदस्त टक्कर दी। लेकिन फ्रांस जैसे देश जो पहले विश्व विजेता रह चुका था, उसके जिस देश की आबादी, उस देश का नाम भी हमको ने तो पहली बार सुना, क्रोएशिया। अब क्रोएशिया देश का नाम जिसकी आबादी अपने पटना से कम है, इसलिए मैंने बोला पटना से कम जिसकी आबादी है। यहां 40 लाख से ज्यादा ही लोग रहते होंगे पटना के चारों तरफ। पटना से जिसकी कम आबादी है, ऐसे क्रोएशिया देश ने, वो सेकंड रहा, फ्रांस नंबर वन रहा। वो तो एक दो थोड़ी भूल होगी क्योंकि इतने पुराने घाघ नहीं थे ना, और ये फ्रांस वाले तो फ्रांस है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है वहां, तो उसके लिए हजारों हजारों करोड़ रुपए, इस बार 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उसके ऊपर खर्च हुआ, और अगली बार जब वो उधर मिडल ईस्ट में हो रहा है तो 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है एक कप का। अब उसके लिए एक छोटा सा देश जिसकी 40 लाख की आबादी नहीं, वो भी आगे विश्व विजेता बन रहा है। मैं भारत को एक विषय में नहीं, भारत एजुकेशन में भी विश्व विजेता हो, रिसर्च में भी विश्व विजेता हो, खेलों में भी विश्व विजेता हो, आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व विजेता हो, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी विश्व विजेता हो, यह है भारत का सुपर पावर बनना। और इतनी आबादी, 125 करोड़ की आबादी वाला देश और यूं लाचार सा बना रहे, और वर्ल्ड कप की कोई बात हो तो फीफा में तो हम तो खेले भी नहीं, क्यों हम बताओ, 125 करोड़ की आबादी वाला देश जो है वो आपस में ही कोई उल्टे पुल्टे खेल खेलने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक विजन नहीं है। तो आज मैं आपको बोल रहा हूं, आप में से जो जवान है आज 35-40 साल के बाद में वो दिन भी देखेंगे जब भारत दुनिया का सिरमौर होकर उसमें पतंजलि की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप ऐसी संस्था के साथ जुड़े हो, बाकी नौकरी चाकरी ये तो सब चलता रहता है, बिजनेस ये भी जिंदगी में चाहिए, मैं मानता हूं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी हमारी आगे की यात्रा है। मैं आपको बताता हूं आज तक पतंजलि ने क्या अचीव किया। आज तक मैंने कहा किसी भी एक फील्ड में नंबर वन होना वो लोगों का सपना होता है, और आज पूरी दुनिया में योग के क्षेत्र में कोई नंबर वन है तो पतंजलि योगपीठ है पूरी दुनिया में। आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरी दुनिया में, जबकि हमसे पहले 100, 200, 500, 1000 साल पुराने मठ मंदिर और अलग अलग तरह के खानदानी वैद्य इस देश में काम कर रहे थे, हम तो खानदानी किसान हैं, लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में नंबर वन इंस्टीट्यूट है तो पतंजलि।
योग आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान परंपरा पर अनुसंधान करने वाला भी, दुनिया का रिसर्च करने वाला भी नंबर वन इंस्टीट्यूट है, तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका पिछले दिनों मोदी जी ने जाकर के खुद उद्घाटन किया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जो आज तक सरकारें नहीं कर पाई, जो वजीर नहीं कर पाए, वो एक फकीर की जोड़ी ने करके दिखा दी। देखो विजन होना चाहिए। मुझसे लोग बोलते थे बाबा जी आप तो बाबा हैं, आपको पैसे की क्या जरूरत है। मैंने कहा हम तो जमीन पर सोते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन झोपड़ी में रह करके तपस्या तो हो सकती है, झोपड़ी में रह करके रिसर्च नहीं हो सकता। हम तपस्या करते अपने लिए और रिसर्च करते अपने देश के लिए, ये काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए आप जिस इंस्टीट्यूट में है वो एक साधारण इंस्टीट्यूट नहीं है, और योग आयुर्वेद के संदर्भ में नहीं। यदि आप बात करें एजुकेशन में, लोग बड़े बड़े ऐसी अट्टालिकाएं बनाते थे और गरीब आदमी तो उनमें घुस नहीं पाता था। पहली बार पतंजलि के आचार्य कुलम के बच्चों ने सीबीएसई का एग्जाम दिया, वो तो मात्र 2 नंबर से चूक गया, नहीं तो पतंजलि का बच्चा ही इस बार पूरे देश में नंबर वन पोजीशन पर होता, खाली 2 नंबर से पीछे था। 497 जो फर्स्ट आया था उसका 499 थे। अब 2 अंक से चूकना तो कोई बड़ी बात नहीं। पहली बार बच्चों ने परीक्षा दी सीबीएसई के एग्जाम की। और इतना ही नहीं, पूरे देश में जितने भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, यदि इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो पूरे देश में नंबर वन इंस्टीट्यूशन वो आचार्य कुलम रहा सीबीएसई के एग्जाम। पूरे देश में, पूरे देश में एजुकेशन में भी नंबर वन होना, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय जो प्राचीन विद्याएं उनको पढ़ाने में पूरे देश में नंबर वन विश्वविद्यालय अपना पतंजलि विश्वविद्यालय। इतना ही नहीं, इस देश में ये ऋषियों का देश है, इसको किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया, इस देश को ऋषि मुनियों ने बनाया, और इस देश में ऋषि मुनि तैयार करने का काम भी इस समय करीब 500 तैयार हो चुके हैं। अभी उसमें कुछ को संन्यास दे दिया, कुछ अभी बाकी हैं, और आप में से भी किसी की इच्छा हो सेल करते करते सन्यासी बनने की, तो मेरे पास आ जाना, वो भी भर्ती खुली हुई है। सेल्स करते करते कोई उब जाए और सन्यासी बनने की इच्छा हो जाए तो आपको इधर उधर कोई जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए स्वामी रामदेव तुम्हारे को अपना शिष्य भी बनाने के लिए तैयार है। इसमें तालियां कम बज रही हैं, पड़ोसियों के लिए बज रही है। तो खैर, हम इस देश में, इस भारत वर्ष में ऋषियों की संस्कृति को बचाने के लिए भी यदि कोई संस्थान सबसे बड़ा काम कर रहा हो तो पतंजलि पीठ है, आपको गौरव होना चाहिए, क्योंकि हम ऋषियों के वंश, डीएनए हमारा ऋषियों का है। यहाँ पिछले दिनों डीएनए की बड़ी खतरनाक बात चली थी। बिहार में एक दूसरे का डीएनए के सैंपल भेजने में लगा हुआ था दिल्ली तक। तो भैया हम सबका डीएनए में क्या है, ऋषित्व है। हमारा ऋषियों का डीएनए, किसका डीएनए हमारा बोलो, और ऋषियों के उस डीएनए को बचाने का काम भी पतंजलि कर रहा है। ये तो बात हुई पतंजलि इंस्टीट्यूट की, और हमने यात्रा शुरू की शून्य से। हमको किसी एमएनसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी राजनीतिक घराने ने, या किसी और राजा महाराजाओं के कोई घराने ने, किसी सामंतवादी घराने ने हमको सपोर्ट नहीं किया। हम आज खड़े हैं तो इस देश के लोगों के ताकत भरोसे और भगवान के विश्वास के ऊपर खड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूं कि ये साधारण घटना नहीं, और आप भी अपने आप को साधारण मत मानिए, असाधारण है आप, अद्वितीय है आप, अप्रतिम है आप। और अगली बात, यदि ब्रांड की बात की जाए तो ब्रांड की डेफिनेशन नहीं समझते थे भारत के लोग। तो यहाँ MBA करके और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी लेकर के, IIM में पढ़ करके, IIT में भी पढ़ करके, और बाहर कोई चला गया बाहर पढ़ने के लिए, देश अपने देश का पैसा खर्च किया पहले तो बाहर, और ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड आदि में पढ़ करके आया, और फिर वो विदेशी कंपनियों को ब्रांड को बेचने में लग गया। हिंदुस्तान के अंदर ब्रांड बनाने की परंपरा कि स्वदेशी ब्रांड को FMCG ब्रांड के सामने टक्कर देने वाला ही नहीं, विदेशी ब्रांड्स को ध्वस्त करके उनसे भी ऊपर ब्रांड बनाने का काम पतंजलि ने किया है, जो आज तक 200 सालों में नहीं हुआ। बड़े बड़े स्वदेशी के गीत गाए गए यहां पर, महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी के द्वारा इस देश के स्वावलंबन, इस देश की स्वाधीनता के लिए काम किया। स्वदेशी के गीत तो गाए गए, लेकिन स्वदेशी विकल्प कोई दे पाया, कोई खड़ा ना हो पाया उनके बराबर। ये जो टाटा बिरला डालमिया जो बड़े बड़े घराने आप सुनते हो, कोई माइनिंग में लगा है, कोई और दूसरी बड़ी बड़ी चीजें बनाने में लगा है, रिफाइनरी लगाने में लगा है, कोई माइनिंग में लगा है, कोई ट्रक बनाने में लगा है, लेकिन ये FMCG बहुत बड़ा अलग तरह का इसका मैकेनिज्म है, और
हम लोग पूज्याचार्य भाक्षण जी और स्वामी रामदेव जो तुम्हारे सामने खड़ा है, हम IIM में पढ़ करके नहीं आए, IIT में पढ़ करके नहीं आए, ऑक्सफर्ड हार्वर्ड स्टैनफर्ड आदि में पढ़ करके नहीं आए, लेकिन अब ऑक्सफर्ड हार्वर्ड स्टैनफर्ड में भी पतंजलि का रिसर्च पेपर पढ़ाया जाता है कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है। ये ताकत आप सबके अंदर है, आप उस ताकत को पहचानिए। आप साधारण इंसान नहीं हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, यहाँ जितने ब्रांड हैं इसमें से करीब करीब जो है हमारे 10 ब्रांड ऐसे हैं जो मार्केट लीडर हैं। कितने? जब 10 से ज्यादा ब्रांड में आप मार्केट लीडर हो सकते हैं तो फिर जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स बचे हैं, प्रोडक्ट की कमी नहीं है। एक होता है ब्रांड वैल्यू, ब्रांड ट्रस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, वो तो ठीक है, बस खाली और खाली। जैसे ये 10 ब्रांड हमारे मार्केट लीडर हैं, ऐसे ही हमारे 100 के 100 ब्रांड जो हम मार्केट लीडर हो सकते हैं, उसके लिए आपको काम करना है। मैं आपको एक का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे जैसे पर्सनल केयर में हमारा दंत कांति इस समय मार्केट लीडर है और इसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, और ये पूरी दुनिया में, भारत में, वो भी पतंजलि ने करके दिखाया है कि जो सारी दुनिया में छाई हुई कंपनी थी और कोलगेट को हमने गेट बंद करके दिखाया। दंत कांति जब एक प्रोडक्ट हो सकता है, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं कि मार्केट लीडर हम किस में और फिर हमें आगे क्या करना है। जैसे पर्सनल केयर में जो है ये दंत कांति है, दंत कांति में अभी हमने फ्रेश एक्टिव जेल भी लॉन्च कर दिया, एलोवेरा भी कर दिया, रेड पेस्ट भी कर दिया, एडवांस भी है, जूनियर भी है, इसमें मेडिकेटेड भी है, छोटा बड़ा पैक सभी है, इसके अंदर जो है सेवर पैक भी है, सब कुछ आ गया। जब दंत कांति में मार्केट लीडर हो सकते हैं तो केश कांति में क्यों नहीं हो सकते? विदेशी कंपनियों से सस्ता, उनसे ज्यादा इफेक्टिव, और केश कांति शैम्पू हेयर ऑयल एक ही ब्रांड है, उसके SKU है, SKU तो उसके करीब करीब जो है वो 30 से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है कंडीशनर भी है, इसके अंदर सभी प्रकार के हेयर ऑयल्स हैं, अलग अलग प्रकार के शैम्पू हैं, प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, इसमें एलोवेरा है, इसमें नेचुरल है, इसमें फिर रीठा है, सीका काई है, फिर सीका इंसाइन है, फिर अलग अलग प्रकार के ऐसे कंडीशनर है, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर तेल है। तो ये जब हम एक में हो सकते हैं तो सब में क्यों नहीं हो सकते? इसके अंदर फिर अलग अलग प्रकार के पाउच हैं, ये सब भी हैं। तो इस बार आपको मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि आपको जैसे हमने दंत कांति को मार्केट लीडर बनाया है, आप सब लोगों को अब आज ये संकल्प लेकर के जाना। आप जितने बैठे हुए हो ना, आज मैं आपको एक और बात बताता हूं, कंपनी के पेरोल पर जितने सेल्स टीम पतंजलि के पास है उतना देश में किसी भी FMCG के पास में नहीं। ये भी पतंजलि की बहुत बड़ी ताकत है। वो लोग डरते हैं, बोले ये सब भारतीय लोग हैं, बोले पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा कर दे, तो अपने कंपनी पेरोल के ऊपर नहीं रखते वो लोग, बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी है। करो उसका बाद में चर्चा करूंगा, अभी आपको मैं बता रहा था। दूसरा, केश कांति के तो सारे शैम्पू उसमें फैमिली पैक से लेकर के पाउच से लेकर के सब तरह के हैं। अगला प्रोडक्ट ले लो जो मार्केट लीडर है हमारा पूरे देश में। अभी तक क्या सुनते थे आप? ये तो मैं बाल धोने की और दांत साफ करने की बात करता था, तो दांतों की सफाई के लिए, बालों की सफाई के साथ साथ बर्तनों की सफाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिशवाश। डिशवाश में इस देश में मार्केट लीडर कौन हुआ करते थे? विम बार और पता नहीं कौन सा ये बार वो बार। अब उन विम बार और तमाम तरह की चीजों को पछाड़ करके पूरे हिंदुस्तान में आज मार्केट लीडर है तो पतंजलि सुपर डिशवाश बार है। ये आपको गौरव होना चाहिए। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर एक एक गाड़ी खरीद लेता है, सामान पीस में नहीं बिकना चाहिए, जब पेटी में बिकने लगे और पेटी से आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, पेटी में नहीं डिस्ट्रीब्यूटर के पास में ट्रक में बिकने लगे, ये ब्रांड की वैल्यू होती है। किसमें? डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पेटियों में नहीं जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए? तो ट्रक में आने लग गया है ये। एक एक ट्रक मंगाते हैं हमारे जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो पतंजलि सुपर डिशवाश का एक एक ट्रक मंगवाते हैं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों से सस्ता और अच्छा। ये हाल आता है कि 10-15 साल यूज कर करके लेडीज के जिनके हाथ खराब हो गए थे उनके हाथों को भी उपचार दिया
और विदेशी कंपनियों के अत्याचार से भी लूटमार से भी देश को बचाया, ये पतंजलि सुप्रा डिशवास बार ने करके दिखाया। तो पतंजलि सुप्रा डिशवास बार इतना बड़ा पावरफुल हो सकता है तो हमारा वॉशिंग पाउडर में क्या दिक्कत है भाई? हमारा सुपीरियर उनसे करीब आधे रेट में है। चीजों को आगे करने की जरूरत है, बस इतना समय कह रहा हूं मैं आपको। और बताता हूं और आ जाओ और आगे थोड़ा सा आपको परिचय करवा देता हूं। फेस वॉश तो हमारा है ही है, क्योंकि फेस वॉश आयुर्वेद के नाम पर फेस वॉश अच्छा, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो है ये फेस वॉश की ब्रांडिंग अपने आप ही दुकान में ये 6 पीस लगेंगे तो अपने आप इसकी ब्रांडिंग हो गई। इसको कहते हैं अनपेड विजिबिलिटी, जो आपको मैं बता रहा था, ये छोटी छोटी बातें। अब ये इस तरह से जब लगेगा ये फेस वॉश तो अपने आप बिकेगा, जो भी दुकान में जाएगा सामने लगा दिखेगा, अरे ये क्या है? बोले पतंजलि का फेस वॉश है। ये क्या है? ये पतंजलि का जो है फेस वॉश वाला जो है उसी में ही ये दूसरा लगा दिया भी फिट हो जाता है। ये हमारा एलोवेरा जेल, ये हिंदुस्तान में पहली बार एलोवेरा जेल को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एलोवेरा जेल के रूप में उसको रिप्लेस करने वाला पहला हिंदुस्तान का, और सब इसमें तो 90% मार्केट शेयर हमारे पास में है। ये तो ब्रांड ही हमने बनाया है तो हमारे पास ही रहेगा।